दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन और N440 नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले यह 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यह B1617 और B1618 के बाद आया नया वेरिएंट है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा गया है। सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई थी। विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्सों में लोगों के बीच जो खौफ पैदा हुआ था, उसकी वजह ये वेरिएंट हो सकता है। CCMB के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान पाया, कोरोना के N440 के वेरिएंट में A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा अधिक वायरस फैलाने की क्षमता है। कोरोना का A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसे में अन्य वायरस की तुलना में कोरोना के N440 के वेरिएंट कम समय में कई गुना अधिक वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। वहीं वैज्ञानिकों ने कई केंद्रों में वायरस का सैंपल इकट्ठा किया। उनमें से 50% में कोरोना का N440 के वेरिएंट पाया गया है। इसमें यह भी पता चला है कि यह वायरस आबादी के लिए एक खास हिस्से में फैल रहा है और अन्य वेरिएंट के मुकाबले कहीं यह ज़्यादा स्थानीय है। दोस्तों, पूरे भारत में कोरोना महामारी फैल चुकी है। अब नया स्ट्रेन आने के बाद और भी खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।